गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी वारदात सामने आई है। पिता ने 6 महीने की बेटी को मार डाला, फावड़े से सिर पर वार कर मासूम की जान ले ली। नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में अपनी 6 महीने की बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही घटना और सबूतों को छिपा लेने वाली माँ को भी पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक 6 महीने की बच्ची 16 नवंबर को अपने घर बोगा टोला से लापता हो गई थी। उसकी गुमसुदगी की रिपोर्ट मोहला थाने में परिजनों ने दर्ज कराई थी। पुलिस बच्ची की तलाश में जुटी हुई थी कि 24 नवंबर को उसका शव गांव की डबरी से बरामद किया गया। बच्ची के सिर पर गंभीर हथियार से मारने का निशान था। पुलिस ने बताया कि बच्ची को किसी ने भारी हथियार से मारा है। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। माता पिता, परिजनों व आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए। बच्ची की माता पिता की भूमिका पुलिस को संदिग्ध लग रही थी। बच्ची के माता पिता को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। बच्ची के पिता आत्माराम कोठारी ने बताया कि उसे पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे शक था कि वह बच्ची उसकी नहीं है। उसने बताया कि 15 नवंबर की रात करीब 8 बजे वह और उसकी पत्नी रीना खाना खाकर कमरे में सोने के लिए चले गए। रात करीब 11 बजे बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। जब आत्माराम ने अपनी बच्ची की रोने की आवाज सुनी तब वह उसे और अपनी पत्नी को देखने के लिए चला गया। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी बच्ची को हाथ में लिए किसी और से अंधेरे में चुपचाप बात कर रही थी, लेकिन उसके आने की आहट सुनकर वह भाग गया। आत्माराम ने जब अपनी पत्नी रीना कोठारी से इस बारे में पूछा तो उसने बहाना बना दिया कि कोई नहीं था। इस बात को लेकर आत्माराम और रीना के बीच विवाद हुआ। पति ने उसके चरित्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्ची उसकी नहीं है। इसके बाद आवेश में आकर वहां रखे फावड़े से बच्ची के सिर पर वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। बाद में उसने पत्नी रीना कोठारी के साथ मिलकर बच्ची के शव को कपड़े में बांधकर उसे डबरी में फेंक दिया। इसके बाद सुबह बच्ची के लापता होने की खबर जगह जगह फैला दी और थाने में भी मामला दर्ज करवा दिया। आरोपियों पर धारा 302, 301 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।